पूरे भारत में भालू 8 प्रकार के पाए जाते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य भालू का शिकार करता आया है तथा उनके मांस और फर का उपयोग करता है। भालू की 8 में से 6 प्रजातियां संकटग्रस्त या लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में शामिल की गई हैं। कुल 8 प्रकार के भालू होते हैं जंगलों में, जिनमें से नंबर 1 होता है वो एशियाई भालू होता है। एशियाई भालू एशिया के पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं। यह है अल्पाइन आर्कटिक जंगलों में और पहाड़ों पर पाए जाते हैं। अफगानिस्तान, मलेशिया, कंबोडिया, चीन, भारत, ईरान, दक्षिण एशिया और ताइवान, इन देशों में एशियाई भालू मिलते हैं। इनका दूसरा नाम हिमालय काला भालू है। इनके बालों का रंग काला होता है, इनके कान बड़े होते हैं तथा इनके बड़े बड़े बाल होते हैं। भालू की दुनिया में यह मध्य आकार के भालू है। यह भालू खतरनाक होते हैं और डराए और चौंक जाने पर यह मनुष्य पर हमला कर देते हैं। नंबर 2 ब्लैक बियर। काला भालू का यह नाम पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि काला भालू कई रंगों में मिलते हैं। यह भूरे, ग्रे, सिल्वर, ब्लू और क्रीम कलर के हो सकते हैं। इनका आवास स्थल उत्तरी तुंद्रा से लेकर कनाडा और अलास्का तक है। यह मध्य अमेरिका और मेक्सिको में भी पाए जाते हैं। काले भालू का वजन 56 से लेकर 130 किलो तक हो सकता है। नंबर 3 ब्राउन बियर या भूरा भालू। भूरे भालू की प्रजाति पूरी दुनिया में पाई जाती है। यह घने जंगलों में पहाड़ों पर रहना पसंद करते हैं। यह कनाडा, अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। भूरे भालू को उसके कंधे के ऊपर बनी कुकड़ से आसानी से पहचाना जा सकता है। इनके हाथों की मांसपेशियां बहुत शक्तिशाली होती है, जो कि जमीन खोदने और पेड़ों को छीलने में काम आती है। भोजन पालन द्वारा सिंधिया भोजन घास फल फ्रूट की पतंग सड़ा हुआ मांस तथा छोटे जीव हैं। नंबर 4 जायंट पांडा। जायंट पांडा यह सबसे ज्यादा दिखने वाला भालू है। यह देखने में बहुत प्यारा होता है और किसी खिलौने की तरह लगता है। इसकी आंखें काली होती है और मुंह सफेद, देखने में नहीं प्यारा हो लेकिन है तो यह भालू खतरनाक हो सकता है। जायंट पांडा भालू बहुत तेज चलते हैं। ये पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और भी सी सकते हैं। नंबर 5 पोलर भालू या धुएं भालू। यह सफेद रंग के बड़े आकार के भालू होते हैं, जो कि आर्कटिक, अलास्का, कनाडा, रूस, डेनमार्क और नॉर्वे में पाए जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या 25,000 से 40,000 के बीच है। पोलर बियर बर्फीले इलाकों में रहने के लिए अनुकूलित है। ध्रुवीय भालू जमी हुई बर्फ के इलाके में रहते हैं तथा बर्फ में गुफा खोदकर अपना घर बनाते हैं। सर्दियों में शीत निलय में चले जाते हैं तथा वसंत के दिनों में यह पोलर भालू के बच्चे मनुष्य के बच्चे से भी छोटे होते हैं। इनका आकार चूहे के बराबर होता है, लेकिन पर्याप्त भोजन मिलने पर वह एक साल में पूरी तरह बड़े हो जाते हैं। पोलर भालू बियर भालू 10 फीट तक लंबा होता है तथा इसका वजन 635 किलो तक हो जाता है। मादा भालू थोड़ी छोटी होती है तथा इसका वजन 300 किलो तक होता है। पोलर भालू के बारे में ज्यादा बात यह है कि यह दिखाई सफेद है, मनुष्य के फर सफेद नहीं होते, बल्कि इनके फर बाल पारदर्शी कोरे होते हैं, जो कि प्रकाश पूरी तरह परिवर्तित कर देते हैं। इनका फर आयली होता है तथा इस पर पानी का असर नहीं होता। इनके फर के अंदर काले रंग की त्वचा होती है। त्वचा के अंदर चार इंच मोटी चमड़ी की परत होती है, जो कि इन्हें ठंड से बचाती है। पोलर बियर काफी अच्छे से आराम होते हैं। एक बार में 161 किलोमीटर तक रह सकते हैं। पोलर बियर का मुख्य भोजन सीरिल्स है। यह समुद्री मछलियां और दूसरे जीव खाते हैं। इनका कवच काफी स्ट्रांग होता है, जो कि काफी अच्छे को चबा सकता है। पोलर बियर के अंदर विटामिन ए की अधिक मात्रा होती है। नंबर 6 सलाद बियर। सलाद बियर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसे क्लाड समझ लिया था, जो कि एक स्वस्थ प्राणी होता है।
इसी की आदतें स्लो जीव की तरह हो गई है, जैसे कि डर डर लटकते रहना, जो में रहना इत्यादि। हालांकि यह भालू सलाद की तरह सुस्त नहीं होते हैं, इनका प्रमुख भोजन कीट पतंगे के पक्षियों के अंडे सहजता से दबा हुआ मांस है। फल खाने के लिए यह पेड़ों पर काफी ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं। नंबर 7, इस पर एक टॉकल बियर, इनका कमजोर नाम एलियन बियर भी है, क्योंकि यह है एलियन क्वार्टर पर रहते हैं। इनका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन का चेहरा ऐसा होता है जैसे उन्होंने चश्मा लगा रखा हो, इसलिए इस टॉकल बियर कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में केवल इसी प्रकार के भालू मिलते हैं। इनका पसंदीदा भोजन चूहे, चिड़िया, फल, घास तथा पेड़ों पर ऊंचे ऊंचे चढ़कर अपने रहने का स्थान बनाते हैं और वहीं सोते हैं। सन बियर यह सबसे छोटा भालू होता है। इसकी लंबाई 4.5 मीटर तक होती है, वजन केवल 45 किलो होता है। इनका पसंदीदा भोजन छिपकली, छोटी चिड़िया, चूहे, कीड़े, दीमक, शहद और फल है, क्योंकि यह गर्म स्थानों पर रहते हैं, इसलिए शीत निवारक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सन बियर मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। इनका भी शिकार किया जाता है। अक्सर छोटे बच्चों को पकड़ कर पिंजरे में पालतू बनाकर रखा जाता है। पोलर बियर भी एक संकटग्रस्त प्रजाति है। मनुष्य द्वारा फैलाए गए प्रदूषण से बर्फीले इलाके कम होते जा रहे हैं। तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलती रही है, इससे पोलर बियर के आवास नष्ट हो रहे हैं। कई बार समुद्र में मनुष्य द्वारा पेट्रोलियम का प्रदूषण कर दिया जाता है, जिससे कि पोलर बियर मर जाते हैं। धुरे भालू के 70% तक बच्चे बड़े होने से पहले ही मर जाते हैं। इसका मुख्य कारण प्रदूषण और भोजन का न मिलना होता है। इन कारणों से पोलर बियर एक संकटग्रस्त प्रजाति है। पोलर बियर बड़े ही सुंदर दिखने वाले भालू होते हैं, जो यह दिखाई से देते हैं, उनके फर सफेद नहीं होते। और भूरे भालू का पसंदीदा भोजन घास, फल, फूल, कीड़े पतंगे से सवा हुआ मांस तथा छोटे जीव हैं, जो भालू समुद्र के किनारे रहते हैं और मछलियों पर निर्भर होते हैं। यह भालू दूसरे वालों की तुलना में बहुत बड़े आकार के होते हैं, क्योंकि इनके आहार में मछलियों का प्रोटीन मिलता है। भूरे भालू जमीन को गुफा बनाकर में रहना पसंद करते हैं। इनकी गुफा सुरंग की तरह होती है, जो कि एक अंदर बने चैम्बर में जाती है। माता भालू पूरी सक्रिय शीत निद्रा की अवस्था में रहती है, यहाँ तक कि बच्चों का जन्म भी शीत निद्रा ही देती है। छोटे बच्चे पैदा होकर अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।